पशुपालक भाइयों नमस्कार। भाइयों आज हम शकील डेयरी फार्म पर आए हैं और ये पुराना डेयरी फार्म है जो, और एक वीडियो बनेगी पहले पुराने डेयरी फार्म की, फिर उसके बाद हम नए वाली डेयरी फार्म पर बनाएंगे। तो आज यहाँ पर कुछ बिकी हुई है, कहाँ के लिए बिकी है और क्या रेट है, क्या क्वालिटी है, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दबा करके आल पर क्लिक कर लीजिए। चलिए हम तो ठीक भैया से मिलाते हैं और एक एक गाय के बारे में पूरी जानकारी लेकर के आपको बताते हैं। तो पशुपालक भाइयों ये देखिए शकील डेयरी फार्म की जो गाय बिकी हुई है, 6 गाय है और 6 गाय बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, बेहतरीन गाय, हर गाय अपने में एक से बढ़कर एक है। इनकी क्वालिटी और कीमत के बारे में जानकारी लेंगे और उनसे भी बात कराएंगे जिन्होंने ये गाय खरीदा है। तो चलिए हम पहले जानकारी ले लेते हैं तो फिर भैया से, फिर उसके बाद हम मिलाते हैं और लोडिंग भी हम दिखाएंगे कहाँ के लिए जा रही हैं। तो भैया नमस्कार जी। नमस्कार, और बहुत दिनों के बाद आप हमारे फार्म पे आए तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हम दिखाएंगे आपको 6 गाय, ये हमारे पड़ोस के ही जिले में जा रही है, तो जिन्होंने खरीदा है, करीब हमारे 5 साल के कस्टमर है, लगातार हमारे यहाँ से अच्छा जो गाय है वो बराबर खरीद के लेके जाते हैं जी, और इनके थ्रू से मान के चलिए उस एरिया में तकरीबन हमारे 400-500 एनिमल्स हैं और बहुत भरोसे वाला काम है जी, बहुत ही बढ़िया। तो 6 गाय बिकी है भैया जी, इसमें से कितनी गाय बच्चा दी हुई है? सारी बच्चा दी हुई है। अच्छा, सारी बच्चा दी, सारी बच्चा दी हुई है, कुछ के नीचे फीमेल है, कुछ ने मेल दिया है। अच्छा, और सारी गाय बढ़िया है, एक से बढ़ के एक गाय, मतलब सारी मिल्किंग वाली गाय, जैसे इनका डिमांड रहता है मिल्किंग वाली गाय का ही, तो मिल्किंग वाली गाय ही जा रही। चलिए ठीक है, तो थोड़ा जानकारी दीजिए गाय के बारे में जी, और क्या क्वालिटी है सबसे पहले इस गाय के बारे में बताइएगा। ऑर्डर क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, देख सकते हैं पशुपालक भाइयों, और इसके बारे में बताइए भैया। ये सर बछड़ी दिया है। अच्छा, और आज करीब 5-6 रोज की बियाई हो गई और एट प्रेजेंट में 20 लीटर दूध इसके नीचे है, 20 लीटर दूध तैयार है। दो टाइम दूध के इनको दिखा के तब ये सौदा किया। अरे बहुत बढ़िया बात, तो कितना दूध किया था दोनों टाइम में? 20 लीटर दूध इसके नीचे आ गया है साहब। अच्छा जी, गाय तो बढ़िया है और ऑर्डर क्वालिटी काफी, बछड़ी इसके नीचे बहुत टॉप की 67 सीमेंट की थी। अच्छा, मालिक बता रहा था जी, और ये टाइमली है साहब, मतलब मॉर्निंग से खाली हुई और इतनी टाइम आप देख सकते हैं कैसी है जी। इसके नीचे बछड़ी उधर बंधी हुई, वो वाली बछड़ी है, ये देखिए नंबरिंग से बांध, आप यहाँ पर बंधे हुए हैं, और ये बछड़ी है भैया जी, बछड़ी 4-5 दिन हुआ है जी जी जी, 67 सीमेंट की बछड़ी है इसके नीचे, काफी जोरदार, इधर निकाल दो बाबू। गाय भी बहुत ही बढ़िया है, पार्टीशन वाली और चौड़े हड्डी की गाय, हाथ पैर मोटे मोटे हैं बिल्कुल जी, और जैसे काम धेनु दूध वाली गाय जिसको बोल सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, और हाथ से चुवाई वाली, बहुत ही सुंदर ऑर्डर लगा हुआ है जी। तो ये दूध निकल गया भैया कि थन ऐसे? ये सर हर टाइम ये आपको मान के चलिए मॉर्निंग से खाली करेंगे 3-4 घंटे बाद, ऐसी जैसे दूध वाली गाय की पहचान होती है, पूरा दूध फिर आ जाएगा। भैया ने खरीदी है। अच्छा, भैया है हमारे बर्मा जी, नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? सुबलो जी, कौन से? अच्छा, आप जिला अपना कौन सा लगता बता? बस्ती जिला। बस्ती जिला, और आपका शुभ नाम क्या है? बाबू प्रसाद वर्मा जी। वर्मा जी हैं। अच्छा, तो नया डेयरी आपका खोल रहे हैं या पहले से है? नहीं, इनका बहुत पहले से है। अच्छा, और कितनी गाय हमारे यहाँ से जा चुकी होगी ये बता दीजिए? 100-150 जानवर, मतलब डेयरी पर कितनी गाय है मौके पर? 200 जानवर है अभी मौके से, 200 गाय। बहुत बड़ा डेयरी फार्म है आपका तो, और हमारा बहुत पुराना काम इनके साथ में, ये मान के चलिए करीब 3-4 साल तो हो ही गए होंगे, 4 साल हो गए, 4 साल से गायें जा रही, दूसरे को भी दिला रहे, खुद भी खरीदते हैं। अच्छा जी, ऐसा काम, बहुत ही बढ़िया। तो कितना दूध हो जाता होगा आपके लगभग? हमारे 6-7 क्विंटल दूध हो जाता है। 6-7 क्विंटल, क्या रेट जाता है आपके यहाँ? 45 रुपए गाय ही है कि भैंस भी है? अच्छा, भैंस भी है। तो भैया ने खरीदा है और उसके बाद हम कुछ गाय और हैं उनको भी दिखा देते हैं जी। तो अब सर ऐसी कोई अगर सिंगल परचेस करेगा हमारे यहाँ जी, तो उसका जो रेट आएगा ये मान के चलिए 85-90 हजार रुपए के रेट से, लेकिन इनको एक लॉट बना के हमने दिया है करीब 80 हजार रुपए के नियर अबाउट वो पड़ा है। अच्छा, 80 हजार का 80 हजार रुपए के हिसाब से। अब जैसे ये सब गाय है साहब, ये अगर कोई सिंगल खरीदेगा, दूसरी दिखा दे रहे हैं आपको, सिंगल कोई खरीदेगा, बॉडी स्ट्रक्चर पहले देखिए साहब, इसका बॉडी स्ट्रक्चर कितना जोरदार है, और ये रैम्प एरिया इसका जी, ये गजब,
और हाइट भी काफी, हाइट भी काफी जोरदार है सारी चीजें। अच्छा बच्चा कितना टाइम हो इसको किए? बच्चा दिया अभी, ताजी भी आई है सर। अच्छा परसों वाले दिन बच्चा दिया और बिल्कुल ताजी भी आई है। और ये मान के चलिए अगर ऐसी गाय आप अकेली खरीदोगे तो लाख रुपए का बजट कम से कम मान के चलो आप, लेकिन इनको बिल्कुल ये 80,000 रुपए के नियर अबाउट में ये 6 एनिमल्स जा रहे हैं इनको। कितना दूध कर देगी भैया ये लगभग? ये अपना आइडिया सर इस लैक्टेशन में, जैसे अभी नई नवेली है फर्स्ट लैक्टेशन में, तो 20 लीटर के ऊपर 2-1 लीटर और 1-2 लीटर मतलब कम भी हो सकता है, जैसे अपनी डाइट के ऊपर है। जैसे ताजी भी आई है, लत के आई, 4-6 दिन स्ट्रेस में भी रहेगी, तो ये सारी चीजें हैं। जब इससे फ्री हो जाएगी और अच्छी लगेगी और बनेगी, बेसी दूध करेगी। ठीक है जी, ये दूसरी हो गई। तीसरी गाय और भी बहुत शानदार है इसके साथ में। जैसे कहने का मतलब साहब ये है ना, जैसे लॉट में कोई अगर परचेज करता है तो उसका जो एवरेज निकल के आता है, जैसे 6 एनिमल बिक रहे हैं तो 6 एनिमल में ना 5,000 प्रॉफिट रख के अगर 3,000 रुपए भी प्रॉफिट रखेंगे, 6 एक बार में जा रहे तो 18-20 हजार रुपए हो गए। तो 6 अगर कोई ज्यादा लॉट लेता तो थोड़ा सस्ता उसको भी पड़ जाता, हमारे लिए भी बेनिफिट हो जाता है। जैसे इस गाय के बारे में भी आपने बताया भी कि लाख प्लस जाएगी अगर कोई, लाख रुपए के नियर अबाउट में आप मान के चलिए अगर कोई सिंगल लेगा। तीसरी है साहब जी, ये भी काविंग कर चुकी है। कितना टाइम हुआ बच्चा की इसको? ये भी सर जितनी है साहब, इसमें कोई ऐसी नहीं कि हफ्ते की क्रॉस हो। अच्छा ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं आप देख लीजिए, इसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि दो एक दिन। अच्छा। तीन दिन एक तो रात में इनके सामने ही बच्चा दिया, उधर बैठी है। बहुत बढ़िया। अच्छा भैया आपने दूध निकलवाया सबका, देखा दूध? हाँ चेक करके, दूध चेक करके दिए और बाकी बहुत भरोसे वाला काम है। इन फ्यूचर में भी अगर इन्होंने कभी कहा होगा हमसे कि हमारे यहाँ ये चीज नहीं सेट हो पा रही, तो हमने इनको फोर्स नहीं किया, हमने कहा वो चीज आप लाइए। हाँ, दूसरी लेके जाइए। बहुत बढ़िया जी, यही बात। काफी लोग हमारे पास भी फोन करके पूछते हैं कहाँ से लेने लायक है, तो हम आप ही को बताते हैं। चूंकि यहाँ ये होता है वापिस हो जाएगी अगर कोई समस्या आती है। तीसरी चौथी दिखा दो, चौथी जी भैया जी, इसके बारे में बताइए। ये नुकरी घोड़ी समझ लीजिए आप इसको, पूरी व्हाइट है, पूरी व्हाइट। अब जैसे ब्रीड है साहब, तो ब्रीड को दूध देना है, ऐसा है नहीं कि ब्रीड दूध लेके कहीं चली जाएगी आपको। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए आप में, आप में या गायों में, थोड़ा केयरिंग में हो जाता है, कुछ ना कुछ तो 9-10 हो ही जाएगा भैया। लेकिन ये है, ये चीजें जब एक जगह सेट हो जाएंगी, 10 दिन 15 दिन 20 दिन टाइम थोड़ा स्पेंड कर लेंगी, तो इनको सबको दूध देना है। सही जी, और अपना जितना पूरा अनुभव रहता है वो सारी चीजें झोंक के ही ये खरीदते हैं। तो ये कितना दूध कर देगी लगभग? ये भी सारी साहब, ये मान के चलिए हमने इनको 20 लीटर के ऊपर, 20 लीटर से ऊपर ही बता के दिया, बाकी हमारी तो 32 किलो तक की गाय इन्होंने दुई है। अच्छा 20 के ऊपर आपने बताया भैया, अब तक आपने गाय इनसे जो खरीदा है, जो बताया इन्होंने सही आया है? 36 लीटर, 32 लीटर में बताया, 36 लीटर हमने इनको 26-27 लीटर बोल के दिया था। कुछ भाई कमेंट करते हैं कि जो बताते हैं पूरा होता नहीं है, दूध झूठ बोल कर दे देते हैं। तो साहब किसी को लिखने से तो मैं रोक नहीं सकता, किसी को कमेंट करने से नहीं रोक सकता, अपनी अपनी सबकी अपनी राय है, मानसिकता है, लेकिन मैं ये चीज कहूंगा वो चीज आप जमीनी स्तर पे उतर के देखिए, अगर कहीं से गलत लगेगा तो उसके पूरे जवाबदार हम रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात कहा आपने। तो ये भी बछड़ी बच्चा की? हाँ सब सारे बच्चे दिए, कुछ के नीचे फीमेल है, कुछ के नीचे मीमेल। अच्छा, हम इसी के बारे में पूछ रहे थे क्या दिया है? ये इसका बच्चा कौन सा? इसका मेल। अच्छा मेल, इसका मेल, इस वाली का शायद फीमेल। अच्छा ये देखिए अगली गाय भैया की आ रही है, ये भैया इसके बारे में बताइए। ये सर कल बच्चा दिया है अपने यहाँ। अच्छा। ये कल कोई गाड़ी में बच्चा दे दिया था, कीज वगैरह से खा लिया। और ब्रीड इसकी चेक करिए साहब, जितनी गाय हमने आपको दिखाई ये सबसे बारीक रोमे में, ये देखिए जी, ये बिल्कुल मलाई जैसे दांत में भैया, ये दांत देखिए ना आप, 2 से 4 हो गई, ये देखिए ये 2 और ये 4। दूसरे भी हाथ? हाँ दूसरे भी हाथ में आप मान लीजिए जी। मालिक तो ये हमको पहला बता रहा था, लेकिन मेरा अनुभव खुद ही कहता है कि ये दूसरी ब्यात की थी जी, और दूसरे ब्यात में ही बच्चा दिया है। ये भी 20 लीटर के ऊपर ही दूध कर जाएगी। मिल्क वैन दिखाओ इसकी बाबू, इस एक साइड थोड़ा भैया इधर रोको, बस इधर देखिए जी, दोनों तरफ से पाइपलाइन लगी हुई मिल्क वैन, और एक छठे नंबर वाली भी दिखा दो इसी वक्त। ये रात में बच्चा दिया है भैया के सामने, आर्डर वर्मा जी के सामने ही बच्चा दिया जी। अच्छा ये किसी किसान की गाय थी शायद जी,
जिससे लिया है। हाँ, तैयारी पे है, तैयारी पे बढ़िया है, बहुत बढ़िया और मजबूत मजबूत हड्डी की स्ट्रक्चर मजबूत है इसका, मजबूत है जी बिल्कुल। ऑर्डर क्वालिटी भी उसी तरह से बेहतरीन लगा हुआ है और काफी दूर दूर बाट है। ये दांत में भैया दो चार है, दो से चार ये भी हो रही साहब, दो से चार हो रही है, लेकिन पहले भी आंत में लग रही है। हाँ, ये फर्स्ट टाइमर ही लग रही है, फर्स्ट टाइमर जी। क्या दूध ये करेगी भैया? ये भी साहब 20 लीटर के ऊपर ऊपर, 20 लीटर से ऊपर जितने भी जानवर जा रहे हैं सबका एक रेशियो हमने यही बताया, 20 लीटर के नियर अबाउट में ये रहेंगी सारी। और 80,000 के, 80,000 के राउंड फिगर में, राउंड फिगर ये जा रहे हैं। अब इसमें कोई साहब बेसी भी जा सकती है, ऐसा भी नहीं है जो भूल के दिया, लेकिन जैसे ये पुराने बंदे इनसे कुछ बताना नहीं है। सही बात, ये सारी चीजों को भापते हैं, समझते हैं, खुद अनुभव है, खुद अनुभव है इनको, उसमें कोई चीज नहीं। जो जो डेयरी फार्मर 200-300 गाय रखेगा उसको तो सारी चीजों की खुद ही नॉलेज होगी। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा भैया ने जो गाय दिया है, 6 गाय हैं और 6 गाय बच्चा की हुई हैं, कुछ मेल है कुछ फीमेल है और एक से बढ़कर एक है, बहुत ही बेहतरीन गाय। तो लास्ट में भैया हम जानना चाहते हैं कुछ जी, आप भी साथ में रहेंगे, अपना अपना अनुभव आप लोग बताइए। जैसे गाय खरीदने लोग आते हैं तो क्या ज्यादा ध्यान दें, आप बताइए भैया क्या ज्यादा ध्यान दिया जाए? देखना पड़ता है और क्या नाम है, नहीं जैसे बच्चा दिया है तो दूध देखा जा सकता है, जो बच्चा नहीं दिया है उसको कैसे अनुभव करें? मतलब छाती वाती की कैसा है, मोटी है पतली है, और रोवा देखा, जितनी पतली रोवा धार द्वान बढ़िया से चेक करके लेना चाहिए, ये सारी चीजें है। और अगर नस्ल ब्रीड आप खरीदेंगे तो उसमें कहीं डाउट नहीं है जी, ये मान के चलिए 100 में से तो 99% जानवर अच्छे ही निकलेंगे, 1% का मैं नहीं बता सकता। ब्रीड का एनिमल हमेशा दूध देगा, ब्रीड का एनिमल, ब्रीड का एनिमल हमेशा दूध देगा। अच्छा, कुछ का थन चोर थन होता है वो कम्पेक्टेडर, कम्पेक्टेडर सर, कम्पेक्टेडर जैसे नस्ल वाली गाय है तो उसी को कम्पेक्टेडर लगेगा, बाकी अनुभवी बंदे उसको देख के ही परख जाएंगे दूध वाली गाय है या नहीं है, वो सारी चीजें खुद ही बता देगी। बहुत बढ़िया जानकारी दी भैया आपने, तो इस तरह से है। और अगर किसी भाई को डेयरी फार्म के बारे में जानकारी लेना है तो हमारे समझ से आपके पास अगर जाए तो उसको कुछ जानकारी मिल सकती है। इनका हम एड्रेस आप मेंशन ही कर दिए हैं, वो जाके संपर्क कर सकता है, देख सकता है जी, और भी बाकी जो हमसे जरूरत हो हमसे भी पूछ सकता है, हमारा नंबर दिया गया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों नंबर आपका स्क्रीन पर है, कोई भी आप फोन करके आपसे जानकारी ले सकता है गाय के बारे में, खरीदने के बारे में भी और रेट के बारे में भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भैया ने जैसे बताया कि अगर आप एक साथ गाय लेते हैं तो उसमें आपको फायदा ही होगा, जो गाय 1 लाख की है वो 80,000 में मिल गई, देख सकते हैं आप सामने है। तो इस तरह से है, बने रहिए, देखते रहिए, फिर हम भैया की अगली वीडियो लेकर आएंगे, और तब तक के लिए पशुपालक भाइयों जय जवान जय किसान। हटो, पशुपालक भाइयों देखिए 3 गाय इसमें लोड हो चुकी हैं और 3 गाय इस गाड़ी में